हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक एंड फिट। क्या आपको फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने में दिक्कत आती है? तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं कि हम आसानी से आप फास्ट बॉलर को खेल नहीं पाते? तो सबसे पहले रीज़न हो सकता है कि आप फास्ट बॉलर को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। बॉलर के माइंड में क्या है, उसका प्लानिंग क्या है, या वो नेक्स्ट डिलीवरी कौन सी डालने वाला है, ये आप अच्छे से रीड नहीं कर पाते, उसकी वजह से आप फास्ट बॉलर को अच्छे से नहीं खेल पाते। या फिर सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पीड की बॉल्स को कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है, या फिर उतनी स्पीड से कभी आप खेलते नहीं है, उसकी वजह से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी रिएक्शन, बॉडी मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता है। तो उसकी वजह से फास्ट बॉल जब बॉलिंग करने आता है तो आपको फास्ट बॉल खेलने में दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप फास्ट बॉलर को अच्छे से रीड कर पाओगे, और ऐसे कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिस ड्रिल से प्रैक्टिस करने के बाद आपको फास्ट बॉलिंग के खिलाफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट और रिएक्शन टाइम आपका इम्प्रूव हो जाएगा और आप फास्ट बॉलर को अच्छे से खेल पाओगे। तो मेरे बैटिंग में एक सीक्रेट है जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने के लिए, जिससे मुझे बैटिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं वो सीक्रेट आपको लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलर को रीड करना। बॉलर के माइंड में क्या चल रहा है, वो नेक्स्ट डिलीवरी कौन सी डालने वाला है, ये सब पहले से आपको रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बॉलर को रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें फील्ड पोजीशन चेक करनी है। जब हम गार्ड लेते हैं, लेग स्टंप, मिडल स्टंप, जो भी गार्ड लेते हैं, गार्ड लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें फील्ड पोजीशन चेक करनी है, कौन सा फील्डर किस पोजीशन पे है। आप जब फील्ड पोजीशन चेक करते हैं तो उसके बाद आपको बॉलर्स के माइंड में क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करने वाला है, ये आपको पता चल जाता है फील्ड पोजीशन की वजह से। तो सबसे पहले आप जब गार्ड लेते हो तो गार्ड लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरी फील्ड पोजीशन चेक करनी है और बॉलर का जो प्लान है, बॉलर की जो लाइन और लेंथ आने वाली है, उसको रीड करना है। तो फील्ड पोजीशन चेक करने के बाद सेकेंड पॉइंट है, जब आप स्टांस लेते हो बैटिंग के लिए, रेडी रहते हो खेलने के लिए, तो क्या करना है, आपको बॉलर का रनअप चेक करना है, बॉलर किस एंगल से भागते हुए आ रहा है, और बॉलर विकेट के स्टंप के पास से बॉल कर रहा है या वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहा है, ये आपको देखना है। आप यहाँ मोहम्मद शमी को देख सकते हो, वो कैसे क्रीज का यूज़ कर रहे हैं, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल को अंदर ला रहे हैं, और जब वो स्टंप के पास जाते हैं तो बॉल को बाहर की तरफ डालते हैं। तो मोहम्मद शमी भी ऐसे ही क्रीज का और एंगल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं और अभी स्टंप के क्लोज जा रहे हैं। आप भी जब बैटिंग के लिए स्टांस लेके खड़े रहोगे तो आपको बॉलर का रनअप चेक करना है, वो कौन से एंगल से बॉल डाल रहा है, क्लोज टू द स्टंप डाल रहा है तो वो आपको ज़्यादातर गेंद आउटस्विंग या बाहर की डालेगा। और जब बॉलर एंगल यूज़ करेगा, एंगल यूज़ करके जब वाइड ऑफ द क्रीज आके आपको बॉलिंग करेगा, तो वो ज़्यादातर गेंदें आपको अंदर की तरफ और इन स्विंग ही डालेगा। तो स्टांस लेने के बाद आपको बॉलर को चेक करना है कि वो उसका रनअप क्या है, वो किस एंगल से बॉलिंग कर रहा है, क्लोज टू द स्टंप्स जा रहा है या वाइड ऑफ द क्रीज डाल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, बॉलर जब क्लोज टू द स्टंप जाके बॉल डाल रहा है तो उसका बॉल कैसे एंगल से स्विंग होके बाहर जा रहा है। जब बॉलर क्लोज टू द स्टंप डालेगा तो उसका बॉल एंगल से बाहर ही जाएगा, और जब बॉलर एंगल यूज़ करेगा, वाइड ऑफ द क्रीज जाएगा, तो आप देख सकते हो उसका एंगल से बॉल कैसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये आपको रीड करना है बॉलर के रनअप से और एंगल से। तीसरे पॉइंट में आपको बॉल की शाइन और सीम पोजीशन चेक करनी है। जब बॉलर रनअप लेके भागते हुए आ रहा है तो उसका हाथ चेक करना है, जब वो उसके हाथ में बॉल आपको दिखता है तो आपको जो शाइनी साइड है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये आपको दिख जाएगी। और जब उसका आप हाथ ठीक से कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे तो आपको शाइनी साइड किस साइड है आपको पता चल जाएगा। और जब बॉलर बॉल रिलीज़ करने वाला है तो शाइन के साथ साथ बॉल की जो सीम है उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन चेक करनी है। अगर वो डायरेक्शन फर्स्ट स्लिप की तरफ है तो ऑब्वियस है बॉल आउटस्विंग जाएगा और बॉलर आउटस्विंग डालेगा आपको। और अगर बॉल की सीम की डायरेक्शन और पोजीशन फाइन लेग की तरफ है तो ऑब्वियस है और आपको इन स्विंग डालने वाला है या बॉल इन स्विंग आएगा। तो ये आपको शाइनी साइड और सीम की पोजीशन चेक करके आपको स्विंग रीड करना है बॉलर का।
तो सबसे पहले हमने फील्ड पोजीशन चेक की, फील्ड पोजीशन की वजह से हमने फास्ट बॉलर के जो प्लानिंग है वो किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करने वाला है वो रीड किया। सेकेंड पॉइंट पे हमने बॉलर्स के एंगल पे, बॉलर के रनअप पे हमने उसकी लाइन क्या होने वाली है वो भी रीड किया। और थर्ड पॉइंट पे हमने बॉल की जो शाइन होती है उसकी वजह से बॉल इन स्विंग आएगा या आउट स्विंग आएगा वो भी रीड किया। तो हमने तीन टिप्स मैंने बताई है बॉलर को, फास्ट बॉलर को कैसे रीड करना है। फील्ड पोजीशन से उसकी प्लानिंग रीड करनी है, बॉलिंग के एंगल से उसकी जो क्रीज यूज़ करता है वाइड ऑफ द क्रीज या स्टम्प के पास जाता है उससे आपको उसकी लाइन अंदर आने वाली है या बाहर आने वाली है आपको ये पता चल जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है बॉल की शाइन, उसकी वजह से आपको इन स्विंग या आउट स्विंग ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको मेरा सीक्रेट बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो क्या मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं जब स्टांस लेता हूँ और जो मैं बैटिंग के लिए रेडी रहता हूँ तो मैं मेरे माइंड में एक बात सोचते रहता हूँ कि बॉलर की जो लेंथ है वो शॉर्ट पिच रहने वाली है या ओवर पिच रहने वाली है। तो मैं सब सिर्फ वो सोचते रहता हूँ। जब बॉलर बॉल रिलीज़ करने वाला है तो मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि बॉल शॉर्ट पिच आने वाला है या ओवर पिच, जिसकी वजह से मुझे जब बॉल बॉलर के हाथ से रिलीज़ हो जाता है तभी पता चल जाता है कि बॉल शॉर्ट पिच है या फिर ओवर पिच है। तो जब आप भी बैटिंग के लिए स्टांस लेके खड़े रहोगे और आप बॉलर के खेलने के लिए रेडी होते हो तो आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना है बॉलर को। आपने जो मैंने टिप्स बताई है उससे आप बॉलर को रीड तो कर पाते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि बॉल शॉर्ट पिच आने वाला है या ओवर पिच आने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपको जब बॉलर बॉल रिलीज़ करेगा तो रिलीज़ करते ही आपको पता चल जाएगा कि बॉल शॉर्ट पिच है या फिर ओवर पिच है। तो इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास है जो फास्ट बॉलर को खेलने के लिए जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाएगा। बॉल रिलीज होते ही आपको पता चल जाएगा कि बॉल शॉर्ट है या फिर ओवर पिच है। तो बॉलर को रीड कैसे करना है ये तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं आपने स्पीड की बॉल को, या आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी रिएक्शन, आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने के लिए कौन सी ड्रिल्स करनी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको प्लास्टिक बॉल की ड्रिल करनी है। प्लास्टिक बॉल की वजह से आपकी जो रिएक्शन टाइम है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप साइड आर्म थ्रो से प्रैक्टिस कर सकते हो। साइड आर्म थ्रो से आपको जो बॉल स्पीड से आती है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और थर्ड प्रैक्टिस आप कर सकते हो जो टेनिस बॉल होता है, डबल टेनिस बॉल, आप उसको गीला करके, वेट करके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी गीला होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड होके आता है तो उससे भी आपको स्पीड से बॉल आती है उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। या फिर आप सिंथेटिक बॉल यूज़ कर सकते हो। सिंथेटिक बॉल भी अच्छे से स्कीट होके आता है, जोर से आता है, तो आपको सिंथेटिक बॉल की वजह से आपको फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जो स्पीड से बॉल आता है उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये चार ड्रिल्स यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपको फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, आपकी रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगी और आपकी जो बॉडी मूवमेंट है फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करने के लिए वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आसानी से बैटिंग कर पाओगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या कुछ मुझे इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।